यहाँ पे अभी जो है ना मैंने उठा लेनी है ट्रे टोकरे में से कुछ है ना कनी रखी हुई है, इसको मैं धूप में सुखा देती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसको अभी है ना कुछ टाइम के लिए सुखाती हूँ, 1 से 2 दिन की धूप लगा के है ना इसको, फिर है ना कि मैं तल के रख लूँगी, क्योंकि मेरी कमर में भी दर्द चल रहा है और कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, बोला है कि दीदी आप ये ले लो, आप ये कॉफ़ी पिया करोगे। कॉफ़ी मैं पीती हूँ, कॉफ़ी पीने के बावजूद भी मेरा बीपी डाउन ही चलता है, तो मुझे ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा। पर एक ग्लूकोज का पैकेट बताया है एक सिस्टर ने, वो मैं लेके आऊँगी। आने के बाद सबसे पहला काम हो जाता है मेरा गोपाल जी गुनवाना और पूजा करना, फिर मैं माला जाप करती हूँ, तो बोलिए राधे कृष्णा। और काफ़ी पूजा कर ली, चक्कर आ रहा, पूजा तो आप लोगों के साथ में शेयर भी करी। किचन में चलते हैं, जा अंदर चला जा, रोटी बनाने की तैयारी कर, रोटी बनाओ। सब्जी वाला कोई आया ही नहीं, अब तीसरे पैरा को देखे जाके। फिलहाल मैंने मसूर की दाल बना ली, उसका ना तड़का लगा देती हूँ, तो मुझे नुकसान देगी बारी चीज़ें, कुछ भी वैसा नहीं खाऊंगी। 1-2 दिन दाल का पानी वगैरह, पर सोचा था बच्चों के लिए खट्टा करना ही थोड़ा। चलो सब दाल छोड़ लेते हैं, दाल में तड़का भी मैंने लगा दिया, इसको अच्छे से एक बार ना चला देते हैं। हो नहीं रहा गांव में कोई सब्जी वाला आ नहीं रहा, समस्या सामने हो गई, तो सोचा क्या बनाए, दाल ही बना लेते हैं, खानी तो है ही, ऐसे रूखी रोटी तो नहीं खाई जाएगी। मैं तो कभी कभार चटनी के साथ भी खा लेती हूँ, बच्चों की वजह से बना लेती हूँ। मैं तो नमक की भी मिल जाएगी तो भी पेट भर लूँगी, पर बच्चे हैं आजकल के, सब्जी वगैरह चाहिए, फिर रोज़ रोज़ नमक की। थोड़ी सी सब्जी ली है, इसको रख लेते हैं रेता के, और ये धोनी पड़ेगी। फिलहाल तो सभी ताप पन्नी में सनी खराब हो गई, बूझती गई, बाबा ने कैसा बूझ सी के रखती। आलू के प्याज वैसा बिखर भी जा गई, रस्सी भी तोल दी पापा ने, तो रबर इन्हें वॉश करना पड़ेगा अभी। क्या भाई दोपहर के बर्तन रखे हुए हैं, अब साफ कर देती हूँ, क्योंकि मैं आधा पौन घंटा जो है ना दवाई लेकर लौट गई थी। डॉक्टर ने मुझे कहा था दवाई लेने के बाद लेट जाना, अगर दवाई खा के फिर काम करोगे तो चक्कर महसूस होगा, क्योंकि उसमें एक गोली ऐसी जिसे खा के थोड़ी बहुत देर झुल्ली सी आती है। तो अब फिलहाल बर्तन साफ कर लेती हूँ, बच्चे 1 घंटे में ट्यूशन में जाएंगे, इससे पहले कुछ और भी काम करना है, तो फिलहाल तो बर्तन ही साफ करती हूँ। 10-15 मिनट के बाद मिलती हूँ आप सर, कपड़े बड़े हैं कुछ तार पे वो उतारने। परसों सोचा था मैंने, परसों पहले दिन की मैं टीन की सफाई करूँगी अंदर, पर 2 दिन अगले दिन के लिए सोचा था, 2 दिन काम हो गया इतना ज़्यादा कि सोचा चल आज छोड़ दे कल कर लें। और कल से इतनी तबीयत ख़राब है कि बस कर रही हूँ काम जैसे तैसे करके, कुछ भी खास ब्लॉग नहीं बनाया जा रहा, हो नहीं रहा है, शरीर साथ ही नहीं दे रहा। अब बोलते हुए सांस से चढ़ रहा है, बताओ पेंसिल गिरवा दे, पहले बाकी की पे हाथ पकड़, बैठ जो कर वो नगर है, थोड़ी देर बैठ, सिल तेरे पास हैगी बैठ में। इससे ज़्यादा हो गया फ्रिज जो है ना साफ करना, वैसे भी बाहर रखा हुआ है, मैंने सोचा इसको साफ कर लेती हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, इसको गीला कपड़ा लेके पहले सरफ का वैसे फिर आऊँगी, फिर सूखा। अब नहीं कार्य को काम करा रही है, क्योंकि ट्यूशन में जाने का टाइम हो रहा है, 4:30 बजे हो गया इनका ट्यूशन का टाइम जो है चेंज हो गया है, पहले 4 बजे जाते थे अभी 4:30 बजे हो गया, तो फिर अपना काम जो है वर्क अपना कंप्लीट करके निकल जाते हैं, तो फिर टेंशन नहीं रहती है। वर्क कंप्लीट नहीं होगा तो फिर पिटाई होगी जाके, मैं पहले ही बोल देती हूँ पिटना है तो ठीक है मत करो, नहीं पिटना है तो कर लो, क्योंकि मैंने टीचर को सख्त करके रखा हुआ है तो थोड़ा इन पर ध्यान दे, और वो ध्यान दे रही है बहुत, कह रहे हो भी अपना काम कंप्लीट करके गया। चेयर जो है ना थोड़ी गंदी लग रही थी मेरे को, मैंने दोनों चेयर जो है ना रख के बाहर के बाहर, और इनको है ना धुल दिया। जब मेरे को लगता है ना कि चीज़ें ख़राब हो रही है, अजीब लग रही है, तो मेरे को मतलब अजीब सा फील होता है, मन करता है कि इसको साफ़ कर दूँ, गंदी हो रही है, मेरे को लगा चेयर गंदी हो रही है बहुत, और मैंने उनको साफ़ कर दिया। और एक ने मेरे को बड़ा अजीब सा कमेंट किया है, उसका रिप्लाई मैं दूंगी अगले वीडियो में आप लोगों को, थोड़ा सोच को बदलो, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। आज हम शाम के खाने में बनाएंगे क्या,
अभी काट रहे हैं, आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा, दिखाएं। मुझे एक दिन एक कमेंट आया था कि आप यहाँ की बहू हो, बेटी नहीं हो, ऐसे कपड़े पहनती हो, बिना दुपट्टे के घूमती हो, किसने कहा मैं यहाँ की बहू हूँ, तो मैं यहाँ की बेटी हूँ। अगर बहू होती तो फिर घर से बाहर नहीं निकलती, गाँव में बोलते हैं बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती, ये नहीं करती वो नहीं करती, मैं तो सब कुछ करती हूँ, बाहर भी निकलती हूँ, बाहर की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी। मैं बोलती हूँ कि मैं नहीं, बहुत ऐसी लेडीज हैं जो बेचारी बाहर निकलती है, मजदूरी करती है, फैक्ट्री में जाती है, कोई किसी के इधर बर्तन साफ कर रही है घर में, कोई पोछा कर रही है, कोई बेचारी दिन भर दिहाड़ी करके दो पैसे कमा के शाम को बच्चों का पेट भर रही है, उसका हस्बैंड जो वो कमा के लाती है पी के खा आता है, पी के मारता है, मार पिटाई करता है, वो छीन लेता है उससे। अगर वो रोज़ पिटती रहेगी, कमा के लाएगी, रोज़ पिटती रहेगी, तो फिर मतलब सबसे बड़ी बात, ना मर्द इंसान है वो जो औरत पर हाथ उठाए। दूसरी बात, औरत पिटती रहे, पिटने के लिए नहीं है, औरत का भी बराबर का उद्दा होता है जितना आदमी का होता है। अगर आदमी इज्जत नहीं देगा, कमा के लाके नहीं देगा, तो क्या औरत हाथ पे हदरे बैठी रहेगी? वो कमाएगी नहीं, वो खाएगी नहीं, बच्चों को नहीं खिलाएगी, सिर पे पल्लू रख के जाऊंगी तभी पता चलेगा कि हाँ मुझे शर्म है या मुझे गाँव में सब देख रहे हैं। मैं गाँव में किसी से भी घूंघट नहीं करती, पहले करती थी मैं, जब से मैं यूट्यूब पर आई उसने मेरा चेहरा देख लिया, उससे पहले भी मैं यूट्यूब पर आने के बावजूद भी मैंने घूंघट किया, जब मेरा कोई सहारा रहा ही नहीं उस ऊपर वाले के सिवा, तो मुझे घूंघट खोल के भी है ना अपने बड़ों से बात करनी पड़ती है, बोलना भी पड़ता है, उनको चीज़ें कहनी भी पड़ती है, सुनना भी पड़ता है, अपने लिए लड़ना भी पड़ता है, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, ठीक है, वो सब चीज़ें मैंने अपने लिए करनी पड़ी, सबके सामने आना पड़ा, कभी नहीं चाहा था किसी के सामने आऊँ, घूंघट खोल के आऊँ, किसी बड़े से बोलूँ, पर शर्म यहाँ से होती है, ये दुपट्टा डालने से या फिर कपड़े पहनने से शर्म नहीं दिखाई देती है। आप कुछ बोलेंगे तो फिर तो बिना, वो भी गलत बात है, पहनो जो मन करे पहनो, मन से मतलब जो मन कर रहा आपका पहनो, बस आपको उससे शर्म रखो, बड़े छोटों की लिहाज रखो, इतना मैं रखती हूँ। भले मैं कहीं भी काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मेरे बड़े दिख रहे हैं तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, या फिर मैं नहीं बोलती हूँ, ज़रूरी होगा तो मैं बोलती हूँ, वैसे मैं किसी के साथ नहीं बोलती हूँ, मेरा काम नहीं चलता। और रही कपड़े की बात, मैं कुछ भी पहनूँ भाई, मेरा मन करता है मैं ये पहनूँ वो पहनूँ, मुझे सब ने देख रखा है, छुपाना क्या है मेरे लिए, मेरी लाइफ में छुपाने के लिए क्या है, खुली किताब के पन्ने की तरह है, सबको पता है कितना काम करती है दिन रात, घर का बाहर का भीतर का। और मैं एक बात छोटू, मेरी तो छोटो, उनको देख के मुझे बहुत पता है, जो लड़की मुझे यहाँ के कमेंट्स कर दिए, दीदी आपको देख के हमें ये अच्छा लगा, आपको हमें मिला आपका आपके उससे हमको प्रोटेक्ट होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ एक औरत सब कुछ कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ये मैं सोचो कि औरत बस घर के लिए ही बनी है, बर्तन ही साफ करेगी, झाड़ू पोछा भी करेगी, आज के टाइम में लड़कियाँ लड़कों से चार कदम आगे है, और एक औरत सब कुछ कर सकती है। एक औरत है ना, जब तक उसकी सहन करने की सीमा होती है वो सहन कर दी, जब सीमा से बाहर चीज़ें हो जाती है ना तो उसे भी कदम उठाना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है। नहीं तो है ना, ये कुछ लोग आज भी ये केस चलते हैं, कहीं दहेज के ले गए, कहीं फुलाने को लेके मार दिया, कहीं इसको लेके मार दिया, कहीं उस चीज़ के लिए थाना मार रहे हैं, कहीं गाड़ी बड़ी चाहिए, कहीं छोटी चाहिए, तो वो टाइम निकल गया है, ठीक है। और मैं नहीं मानती कि मैं एक गृहिणी हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ, एक माँ भी हूँ, एक गृहिणी भी हूँ, सारी चीज़ें हैं, और एक बेटा भी हूँ, टाइम आने पर अपने माँ बाप के लिए मैं एक बेटा भी हूँ। वैसे मेरे दो भाई हैं, पर उनके साथ साथ मैं भी उनका एक बेटा हूँ, मेरे मम्मी पापा बोलते हैं बेटी नहीं है बेटा है, और सबसे बड़ी बात मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि इतनी परेशानी उठाने के बावजूद, पति का साथ ना होने के बावजूद भी वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, सामने जब पति होते हैं ना और बात नहीं करते हैं, साथ नहीं रहते हैं, तो यहाँ बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, मेरे को भी महसूस होती है, पर मैं हंस के निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने उसकी डोर पकड़ के रखी हुई है, वही नहीं यहाँ पार लगाएगा मेरी। तो मैंने भजन में, मैं जब भी मन दुखी होता है, भारी होता है, गोपाल जी के आगे रोती, राधा नाम का जाप करती हूँ, तो मन का बोझ थोड़ा कम होता है। आँखों से आंसू छलकाने से गुजारा नहीं चलेगा, स्ट्रोंग बनना पड़ेगा यहाँ से, इन बच्चों के लिए मुझे यहाँ से अपने आप में ताकत लानी पड़ेगी। तो मैं सभी अपनी बहनों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना कि आप कमज़ोर हो, आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते, आप पिटने के लिए बनी हो, आप छिटने के लिए बनी हो, गलत बात है। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए ना बात, तो फिर सुनना पिटना कुछ नहीं, आप सब सक्षम हो, कर सकती हो, जो नहीं पढ़ी लिखी है वो भी कर सकती है, मोदी ने हर तरह की योजनाएं चीज़ें निकाल दी, बस मैं यही बोलूँगी। तो ये कपड़ों को लेके है ना, ये मत कहो चुन्नी डाली कपड़े पहननी वो पहननी, उससे इज्जत नहीं यहाँ होनी चाहिए, दिल में मान सम्मान होना चाहिए, बस यही काफ़ी है। तो आज हम बनाएंगे खीरे की सब्ज़ी, खीरा मैंने काट लिया है, टमाटर काट लिए हैं। तो मैं तो ऐसा करती हूँ, जब मेरे घर में सब्जी नहीं होती है, मेरे को लगता है कि थोड़ी सब्जी लेके जैसे इसको बना ले तो अपना पेट भर जाएगा, तो इसी को पतली तोरी की तरह बना लूँगी, टमाटर डाल के इसी से अपना पेट भर लेंगे।
देखो थोड़े से थोड़े में गुजारा करने वाली लेडीज हूँ मैं। प्याज का यूज नहीं करा, लहसुन का यूज नहीं करा, बिना प्याज लहसुन डाले ही जरा सा पिसा हुआ धनिया डाल के उसमें हल्दी नमक मिर्च डाल के टमाटर डाल के हम बना रहे हैं सब्जी। हम बना रहे हैं जी हाँ टमाटर को और मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। हम बना रहे हैं आज खीरे की सब्जी। तो खीरे को तोरी की तरह पतला सा पानी बना के हम अपना ना शाम की सब्जी तैयार कर रहे हैं। केले खाना सख्त मना है। इधर पकड़ भी ले जम्बू जम्बू इधर हो जाएगा तारा। सूर्य देखो कहाँ चढ़ गया, कितना उदय हो गया। दिखाते हैं बड़ी अच्छी धूप खिल रही है। मम्मी ने तो लगा दी इधर झाड़ू, भाई तो जल्दी लगा दी, अब सो रही है मम्मी। तो सुबह उठ जा इस टाइम सो जा। इधर साफ करना पड़ेगा पौधों के आसपास, बहुत गंदा हो रहा है। इनके थमले बनाऊंगी, साफ करूंगी, झाड़ू लगेगी, हमको भी साफ होगा थोड़ा सा। हाँ फिर से घास उगना शुरू हो गया। घास तो भी मेरे बस की पालना नहीं है, पर हाँ साफ कर दूंगी पूरे बगड़ में। झाड़ू निकालनी लगी हो रही है झाड़ू। चाय में खत्ता लग गया, दूध डाल दो। यहाँ पर अभी जो है ना मैं निकाल रही हूँ झाड़ू और अवनी का दिया डस्टिंग का काम। मम्मी मैं डस्टिंग करती हूँ, आप झाड़ू निकाल दो। मैंने कहा चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं, मिल बांट के कर लेते हैं काम। छोटे मोटे काम अपनी जो है कर देती है। बार बार लोग बोलते हैं कि स्कूल ओपन हो गया, एडमिशन नहीं करा रही, एडमिशन नहीं करा रही। तो मैं एडमिशन कराऊंगी, मुझे खुद दिख रहा है उनकी पढ़ाई छूट रही है। ठीक है अभी 1 तारीख से बोल रहे थे कि एडमिशन चालू हो जाएंगे, एडमिशन ही चल रहे हैं अभी, पढ़ाई चालू हो जाएगी मेरे को पता है। और थोड़ा टाइम दो, उसके पीछे कोई रीजन होगा। आप एक आदमी के पीछे पड़ जाते हो, ये भी नहीं जानना जरूरी समझते कि क्या बात है, क्या पता कोई बात ऐसी हो जो मैं यहाँ नहीं बता पा रही हूँ। एडमिशन होने में टाइम लग रहा हो, किसी के पास में पैसे ना हो, पैसों का इंतजाम कर रहा हो, सैलरी ना आई हो, या कहीं में लगी हो, या इस टाइम किसी स्थिति में, उस चीज़ से लोगों को कोई मतलब नहीं है। बस एडमिशन नहीं कराया यार, मुझे कराना है भाई, खुद कराना है, मुझे अपने बच्चे स्कूल भेजने हैं। ट्यूशन भी लगा के रखा हुआ है, एक दिन भी ट्यूशन की छुट्टी मैं नहीं करा रही हूँ, इसलिए कि मतलब मैं घर पे बैठा के रखूँगी। थोड़ा समझो, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, आपकी बात सही है स्कूल भेजना स्टार्ट करो, बिल्कुल आपकी बात गलत नहीं है, पर थोड़ा समझो ना, मेरी मजबूरी है अभी जो नहीं हो पा रहा है एडमिशन, आगे होएगा, ज़रूर होगा, कुछ टाइम दो।